ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स। नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com। नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म। वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल। एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। सत श्री अकाल जी, स्वागत है साढ़े अज के शो दे विच। कैनेडा किते ना किते बहुत ही पॉजिटिव है इस वेले, सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, ग्राउंड लैवल से काम हो गया, पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट भी आनिया शुरू हो गई। हुण अज गल करांगे ऑस्ट्रेलिया दी, क्योंकि किते ना किते ऑस्ट्रेलिया ने भी हुण ग्राउंड लैवल से बहुत वड्डे लैवल से तैयारी करनी शुरू कर दिती है, तो हो सकता है हुण जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया वालों भी गुड न्यूज़ आए। गलबात करने लिए मौजूद ने ब्रॉडवे इमिग्रेशन के सीनियर कंसल्टेंट जगप्रीत सिंह जी। जगप्रीत जी स्वागत। थैंक यू दीपक जी, और इस वीडियो को देख रहे सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। जगप्रीत जी, कैनेडा वालों एक पॉजिटिव माहौल बनया, स्टूडेंट्स के विच पॉजिटिविटी आई है, हुण की ऑस्ट्रेलिया भी आने वाले दिनों कुछ हफ्ते या महीने के अंदर अंदर अजिही कोई पॉजिटिविटी दिखा सकता है, की नॉलेज है तुहानू, की इनफॉर्मेशन है? बिल्कुल दीपक जी, तुसी बिल्कुल सही दस्या कि कैनेडा जिवें बहुत पॉजिटिव मोड से दोबारा अपनियां एप्लीकेशनस नूं प्रोसैसिंग नूं फुल स्विंग ते लिया है। सो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया भी एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट 10+2 तो बाद ग्रैजुएशन तो बाद ऑस्ट्रेलिया दे विच माइग्रेट करते हैं अपने स्टूडेंट परमिट के उत्ते। सो डेफिनेटली हुण उत्थों भी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखण नूं मिल रही ने, बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई कर चुके ने, वीजा लै चुके ने। सो डेफिनेटली अगर फैब इनटेक की मैं गल करा तां काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटीज ने हुण प्रोविजनस जिहड़े ने स्टार्ट कर दिते ने। स्पेसिफिकली क्वारंटाइन एरिया डेवलप हो रहा है, सो उहदे विच स्टूडेंट्स नूं कॉल करन दे प्रोविजनस बनाए जा रहे ने ट्रैवल नूं करवाउण दे, सो दैट जिहड़ा स्टूडेंट ट्रैवल करेगा उहनूं प्रोपर एक क्वारंटाइन प्लेस ते रख के सो उहनूं फिर अगे मूव फॉरवर्ड किया जाए अपन क्लासिस तक। सो ये जी नवी डेवलपमेंट ने कुछ स्पेसिफिक सैट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है जिद चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी है, दैन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने ईवन हूँ चार्टर्ड फ्लाइट्स के बारे भी काम शुरू किया। सो डेफिनेटली स्पेसिफिक अपने स्टूडेंट्स को कॉल करेंगे जिन्हें हूँ फैब इनटेक अपन क्लासिस स्टार्ट ने। जगप्रीत जी, कुछ अंदाजा इस टाइम तुसी स्टूडेंट्स नूं दे सकदे हो कदों तक के चार्टर्ड प्लेन्स वगैरह डेफिनेटली डेफिनेटली दीपक जी बहुत जल्द इहदे ते अपडेट मिलेगा स्टूडेंट्स जिन्हां दे वीजा अप्रूव्ड ने, जिन्हां दीआं क्लासेस स्टार्ट ने या फैब दे विच जाके स्टार्ट करनगे। सो इहदे ते जल्द आपां नूं प्रोबेबली डिसंबर दे फर्स्ट वीक दे विच विच कोई ना कोई जरूर डिफाइंड अपडेट देखण नूं मिलेगा कि ओह फ्लाइट्स दा ट्रैवलिंग स्केड्यूल की रहेगा। ओके, बहुत ही पॉजिटिव नोट है। इस तो बाद जो गल करिए स्टूडेंट्स लई तुसी की सलाह दिंदे हो जिहड़े किते ना किते ऑस्ट्रेलिया नूं भी कंसीडर करके चल रहे सी, हुण प्रेजेंटली की सलाह है उन्हां नूं, की प्लान ऑफ एक्शन है? बिल्कुल जी, प्लान ऑफ एक्शन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिहड़े स्टूडेंट स्टिल हाले वेट च ने सो उन्हां दे लई हुण एक बहुत गोल्डन पीरियड स्टार्ट है ऑस्ट्रेलिया दा। वीजा सक्सैस रेट बहुत वधिया है, असैसमेंट लैवल 1 दीआं यूनिवर्सिटीज अवेलेबल ने जिहदा वीजा सक्सैस रेट ऑलमोस्ट 100% है। सो एलिजिबल प्रोफाइल अगर 10+2 रीसेंट पास आउट है जिन्हें 2019 या 20 दे विच अपनी 10+2 कीती है किसी भी ट्रेड तो, चाहे वह मैडिकल, नॉन मैडिकल, कमर्स, आर्ट्स तो बिलोंग करता है, उहदा आयल्स 6 ओवरऑल नॉट लैस दैन 5.5 एंड ओवरऑल स्कोर 60% है, वह असैसमेंट लैवल 1 यूनिवर्सिटी दे विच अपनी एडमिशन जिहड़ी कन्फर्म कर सकता है और वीजा लेके ऑस्ट्रेलिया अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है। सो इहदे नाल नाल उन्हां सारे स्टूडेंट्स दे लई भी ऑपरचुनिटी अवेलेबल है जिन्हां दा ओवरऑल स्कोर 5.5 है, नॉट लैस दैन 5 है। सो डेफिनेटली वो सारे इंस्टीट्यूशन भी अवेलेबल ने जिन्हां दे विच
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਟ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਟੂ ਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੂਵ ਅਹੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਸਪਾਊਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ 100% ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਲਈ 6 ਈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਸਪਾਊਸ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਣ